तो आईपीएल 2024 के एरा में हम धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं और सभी टीमें अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगी हुई हैं और आईपीएल और उसकी सिस्टर लीग से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट इस समय बहुत तगड़ी तरीके से सुर्खियां बना रही हैं। तो हमने कहा कि जल्दी से आप तक तीन बड़ी अपडेट पहुंचाते हैं और उसके ऊपर फटाफट एनालिसिस करके आपको समझाते हैं कि इन डेवलपमेंट्स का आईपीएल 2024 पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, पिक अप पार्ट द फैमिली, क्योंकि भाई हमारी कंपैरिजन सीरीज जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सभी टीमों की प्लेइंग 11 की हम रैंकिंग कर चुके हैं और आगे जाते हुए सभी टीमों की बैटिंग, बोलिंग, ऑलराउंडर, सभी टीमों की 10-1 हम रैंकिंग करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू मिस दैट। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली अपडेट निकल करके आई है डीसी के कैंप से, जहां पर डेविड वार्नर को 2024 के सीजन के लिए उनका नया कप्तान ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन आईपीएल के दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं, बल्कि आईएल टी20 की दुबई कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर को अपना नया कैप्टन ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है और वो रिप्लेस कर रहे हैं रोमन पावल को। आईएल टी20 में पिछले साल अगर आपको याद हो तो दुबई कैपिटल्स, जो कि सिस्टर टीम है दिल्ली कैपिटल्स की, सेम फ्रेंचाइजी उनको ओन करती है, उन्होंने रोमन पावल को अपना नया कैप्टन बनाया था, अपने फर्स्ट सीजन का कैप्टन बनाया था। लेकिन सेकेंड सीजन में ही डेविड वार्नर से उनको रिप्लेस कर दिया है। डेविड वार्नर ने कुछ ही देर पहले ओडीआई क्रिकेट से ऑफिशियली अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और टेस्ट क्रिकेट से भी वो अपने न्यू ईयर्स टेस्ट के बाद रिटायरमेंट लेने वाले हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच उनको खेलना है। आखिरी बार सफेद कपड़ों में डेविड वार्नर उतरेंगे और मोस्ट लाइकली 2024 का जो टी20 वर्ल्ड कप है उसके बाद उनके टी20 करियर पर भी, इंटरनेशनल टी20 करियर पर ऑफिशियली विराम भी लग जाएगा। तो डेविड वार्नर पूरी तरीके से फ्री हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अलग अलग लीग्स में जाकर के खेलने के लिए। और इससे यह चीज भी साबित होती है कि ऋषभ पंत की फिटनेस पर चूंकि अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, खबर है कि उनको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत ज्यादा कीपिंग वो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है सारे मैचेस के लिए अवेलेबल भी ना हो। और उस सूरत हाल में डेविड वार्नर ही एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे। डेविड वार्नर ने यह भी कहा कि वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल रह सकते हैं अगर उनकी फॉर्म फिटनेस रही और सब कुछ ठीक रहा। तो अब यह शगुफा थोड़ा सा छोड़ा जाता है, प्लेयर जो है ऑफिशियली रिटायरमेंट जल्दी अब अनाउंस नहीं करेंगे। आने वाले समय में आप यही देखोगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को वो पीछे रखेंगे, अलग अलग लीग्स में जाकर के खेलेंगे। एंड द ट्रेंड हैज ऑलरेडी बिगन, बट डेविड वार्नर के लिए अपने इंटरनेशनल करियर में अचीव करने के लिए अब कुछ बाकी बचा नहीं है और टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो ऑफिशियली अपने इंटरनेशनल करियर को खत्म कर देंगे और दुबई कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे और दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी उनका सफर जो है यूं ही जारी रहेगा। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के कैंप से, जहां पर उनके असिस्टेंट कोच विजय दहिया ने ऑफिशियली LSG की फ्रेंचाइजी को अलविदा कह दिया है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी कि 2 साल जो उनका सफर लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ रहा वो काफी अच्छा था, उन्होंने सबको थैंक यू किया। लेकिन इस बात को भी क्लियर कर दिया कि अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स की मैनेजमेंट के साथ नहीं है, उस मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। उसके बाद रिपोर्ट्स इस बात को क्लेम कर रही हैं कि गौतम गंभीर का प्लान एक बार फिर से विजय दहिया को कोलकाता नाइट राइडर्स में लेकर के आने का है। जैसे कि आपने रिसेंट पास में देखा होगा और उससे पहले भी हमने देखा है कि जहां जहां जीजी रहते हैं वहां वहां विजय दहिया रहते हैं, दोनों एक साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं और टीम्स के लिए अच्छा काम करते हैं, टीम्स उनके अंडर अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। अब अभिषेक नायर वहां पर हैं, चंद्रकांत पंडित वहां पर हैं, गौतम गंभीर एज अ मेंटोर वहां पर हैं, तो किस रोल में विजय दहिया आएंगे ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। बट जैसा कि हिस्ट्री हमें सिखाती है, जहां जहां जीजी वहां वहां दहिया, तो विजय दहिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनका सफर है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, अब खत्म हो गया है। एंड गौतम गंभीर और विजय दहिया की जो जोड़ी है वो एक बार फिर से हमें कोलकाता नाइट राइडर्स में दिखाई दे सकती है। वहीं तीसरी अपडेट आई है पंजाब किंग्स के फैंस के लिए, जहां पर उनको मिलने वाला है एक नया स्टेडियम और बुलंदपुर क्रिकेट स्टेडियम जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और खबरें इस बात को क्लेम कर रही हैं कि IAS बिंद्रा स्टेडियम की जगह अब इसी नए नवेले स्टेडियम में पंजाब किंग्स आईपीएल 2024 में अपने होम मैचेस जो हैं वो खेलने वाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 33,000 की कैपेसिटी वाले इस ग्राउंड में, जहां का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही बेहतरीन बताया जा रहा है, उस मैदान की विकेट किस तरीके से होगी, वहां की पिच जो है बर्ताव कैसा करेगी, क्योंकि IAS बिंद्रा की विकेट हमने देखी है बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, गेंद वहां पर ट्रैवल भी बहुत करता है और PBKS अपने कुछ मैच जो है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के मैदान पर भी खेलती है। सो थिंग्स विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पंजाब किंग्स, क्योंकि उनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी स्लो विकेट अगर होगी तो वहां पर
थोड़ी सी ज्यादा असरदार हो जाएगी, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे वो नेथन एलिस हो, चाहे वो हर्षल पटेल हो या फिर सैम करन। सो हु नोस कि हमें पंजाब किंग्स की स्ट्रेटजी और उनकी पिच में जबरदस्त बदलाव देखने को मिले, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि इस नए नवेले स्टेडियम में पंजाब किंग्स आपको आईपीएल 2024 के मैचेस खेलते हुए दिखाई दे सकती है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें आईपीएल 2024 से रिलेटेड ऑलरेडी मार्केट में फ्लोट कर रही है, लेकिन उसके ऊपर जब तक ऑफिशियल हमारे पास कुछ नहीं आता या कम से कम क्रेडिबल रिपोर्ट्स और अपडेट्स नहीं आती, तब तक हम इस चैनल से उन खबरों को थोड़ा सा दूरी रखते हैं। बट रेस्ट अश्योर्ड, जैसे ही आपके लिए सबसे पहले खबर आएगी, हम यहां पर उसका एनालिसिस और अपडेट लेकर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। और कंपैरिजन सीरीज में एक के बाद एक धड़ाधड़ वीडियो आपके लिए आने वाली है। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।